कामलता चरित्र आधारित पुस्तक सत्व, लेखक परम पूज्य न्याय विशारद आचार्य देव, श्रीमद विजय भुवन भानु सुरेश्वर जी महाराजा। तत्व और शास्त्र पदार्थ में व्यस्त मन को यह समय ही नहीं मिलता कि वह व्यर्थ के कोई विकल्प पैदा कर पाए। यदि मन में व्यर्थ विषय सुखों के विचार पैदा होते हैं तो इसका अर्थ यही है कि मन में तत्व चिंतन, शास्त्र पदार्थ चिंतन की कमी है। सोचो, यदि 10,000 रुपए की गिनती चल रही हो तब मन में दूसरा कोई विचार आ सकता है? नहीं, क्योंकि मन उस वक्त रुपयों की गिनती में ही व्यस्त है। धागे में मोतियों को भरने वाले कारीगर से पूछा जाए कि छोटे छोटे मोतियों को धागे में बांधते समय अन्य विचार आते हैं क्या? नहीं आएंगे। 4 मोती भरने के बाद कोई विचार, फिर 5 मोती भरने के बाद पुनः अन्य विचार। इस प्रकार करने से तो संध्या तक उसका कार्य समाप्त नहीं होगा और आमदनी प्राप्त नहीं कर पाएगा। मात्र आजीविका के ख्याल से भी उसका ध्यान मोतियों को भरने में ही लगा रहता है और इस कार्य के दौरान अन्य किसी विचारों को स्थान नहीं देता। तो कर्मक्षय और मोक्ष ख्याल से शास्त्र पदार्थों के अध्ययन, परावर्तन, चिंतन में मन को एकाग्रता से क्यों नहीं जोड़ सकते? क्या इस उत्तम साधना में अन्य व्यर्थ विचार भी पैदा हो सकते हैं? आमदनी के उद्देश्य से तो कर्मक्षय और मोक्ष का उद्देश्य कई गुना ज्यादा महत्वपूर्ण है, तो क्यों उसे विस्मृत किया जाता है? क्यों वह उद्देश्य हर पल नजरों के सामने नहीं रह सकता? हरी सके ना कोई तारा, गुणों ना सरवाला, युगो सुदी जड़हड़ से भुवन भानु ना अजवाड़ा।